जिस वीडियो को आप लोगों को इंतजार था और मुझे भी था इंतजार, वो वीडियो ये रहा। डेलीवरी लिमिटेड में ऑफिस लेवल जॉब के लिए हमने किसी वीडियो में डिस्कस करा था कि क्या मेथड है, क्या पे स्केल होने वाले हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि तीन टाइप के प्राइमरी जो डिलीवरी का कुरियर ऑफिस है उसमें जॉब होते ही होते हैं लास्ट माइल ऑपरेशन के अंदर, जो कि पहला है फील्ड सुपरवाइजर का, दूसरा था असिस्टेंट टीम लीडर का और तीसरा है टीम लीडर का। अब तीनों का पेमेंट स्केल डिफरेंट डिफरेंट है उनके काम के अनुसार और उनकी जो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है ज्वाइन करने की वो भी डिफरेंट है, लेकिन इन सबसे जो अहम मुद्दा है ना, आपके नजदीकी लॉजिस्टिक कंपनी में इन तीनों में से किसी एक का पोस्ट खाली होने का, इसी से जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ स्टार्ट होती है। अब नई लॉजिस्टिक खुली है तो अपने प्लानिंग के साथ बंदे को लेकर के आती है, वहां पर अपॉर्चुनिटी के चांसेस कम है, लेकिन जहां पे एग्जिस्टिंग कुरियर ऑफिस है और बंदा प्रमोट होके कहीं चला गया या फिर उसको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिला या रिजाइन मारता है तो वहां सीट वैकेंसी खुलता है। या तो आप किसी कलीग की मदद से जो इस कंपनी में जुड़े हैं उनसे पता लगवा सकते हो, या फिर डार्विन बॉक्स नाम की एक वेबसाइट है जहां पे आपको इस कंपनी के HR रिलेटेड डॉक्यूमेंट और ऑफर लेटर मिलते हैं, उसमें आप साइन अप करके चेक कर सकते हो कि नजदीकी जो डिलीवरी कंपनी है डिलीवरी लिमिटेड, वहां पे जो नजदीकी कुरियर ऑफिस है उसमें वैकेंसी उपलब्ध है या नहीं। ठीक है, इसे बेटर है कि आप संपर्क में चले जाओ नजदीकी लॉजिस्टिक हाउस के और अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा और बताओ कि मुझे जॉब करने है, अगर वैकेंसी अवेलेबल है तो आप बताए, ऐसे चांसेस इसमें कम है। और जो ऑपरेशन में बंदे हैं ना उसको इस कंपनी जल्दी अडॉप्ट करती है मैनेजर पद के लिए, FS के लिए, ATL के लिए या टीम लीडर के लिए, क्योंकि कंपनी जानती है कि ये सारी चीजों को ऑपरेशन के जो पॉइंट है मेन बेसिक उसने ये सीख रखा है, उसे आसानी से हम और भी ट्रेन करके इस काम को चला सकते हैं। इसलिए इस कंपनी को ज्वाइन करने का जो बेसिक ग्राउंड पॉइंट हमने डिस्कस करा था फील्ड एग्जीक्यूटिव का, उसी से है, लेकिन आउटर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आउटर के लिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारा का सारा कुछ मायने रखता है, साथ ही उनकी इंटरव्यू भी ली जाती है। जो पहला हमारा पोस्ट है बेसिक पॉइंट है, कम पे स्केल है, मिनिमम आपको 15,000 का पे स्केल जो स्टैंडर्ड पे स्केल मिल रहा है वो है फील्ड सुपरवाइजर का, और इसमें आपको जो सीजन ऑफर चल रहे होंगे उस वक्त इंसेंटिव दी जाती है और प्रत्येक साल के हिसाब से हर कंपनी में तो बढ़ोतरी होता है अप्रेजल के हिसाब से, वो भी इसमें इंक्लूड है, साथ ही PF दी जाती है अलग से, इंश्योरेंस होता है, ESIC होता है, वो सारा का सारा कुछ जो है आपके सैलरी के हिसाब से डिफरेंट है। अब जो मैंने 15 का कैप्ड बताया फील्ड सुपरवाइजर के लिए, वो 13-15 का है और इससे ग्रेटर भी है वहां के लोकेशन के हिसाब से। फील्ड सुपरवाइजर का काम जो होता है किसी दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारे जो पोस्ट है ना उनके डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट है। फील्ड सुपरवाइजर को जो सैलरी मिलना है वो 15,000 है और उनके जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप डार्विन बॉक्स में आप जॉब का पता कर सकते हो, या इस कंपनी में आप कोई FE हो फील्ड एग्जीक्यूटिव हो तो उनको तो डायरेक्ट पता चल जाना है कि यहाँ पे FS का जॉब ओपन है या आसपास के इस ऑफिस में ओपन है, अपने टीम लीडर की मदद से जान सकते हो FS की मदद से, तो उनसे मतलब अप्रोच करके आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे FS को ज्वाइन करने के लिए किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपसे इंटरव्यू ली जाती है थोड़ी देर के लिए, कोई भी लेंगे आपसे इंटरव्यू, STM, TL या जो भी जो अच्छे मतलब पद पे हैं और काम कर रहे हैं ऑपरेशन में, वो आपके इंटरव्यू कॉल के थ्रू लेंगे या HR भी ले सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले भी आपके इंटरव्यू ले सकते हैं, उसको आप क्वालिफाई कर गए, बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, ऑपरेशन से रिलेटेड पूछे जाएंगे, उसको क्वालिफाई कर गए आप FS के लिए रेडी हो। लेकिन ATL और TL के लिए टेस्ट दिया जाता है, इसमें आपको मैथ से, इंग्लिश से, रीजनिंग से, ग्रामर से, इन सारे चीजों से आपको जो है 20 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, जिसमें आपको मिनिमम 70% का क्वालिफिकेशन कलेक्ट करना है, और नॉट अटेम्प्ट किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए, आपको अटेम्प्ट सारे करने हैं, गलत हो या सही हो, और 70% मिनिमम स्कोर करना है, या कहीं कहीं 55 से भी लिया जाता है बंदे को। तो जो क्वेश्चंस होंगे आपका 12th से लेकर के UG लेवल तक के होंगे। अगर आप आउटर साइड से जो फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो ATL और TL के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायर्ड है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका, ठीक है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप इंटरनल बंदा हो कंपनी से डायरेक्ट हो तो लास्ट माइल एजेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है,
जो कि डायरेक्ट होके भी बाहर से हैं, उनके पास नॉलेज भी है और कंपनी से बाहर से भी है, तो वो ATL और TL के लिए जंप कर सकते हैं। क्योंकि ये कंपनी जो है ना जंप डायरेक्ट नहीं कराती है, अभी कुछ ही महीनों से ये नियम लागू हुआ है। अगर वो FE है तो उन्हें FS बनना पड़ेगा, तब ATL बनेंगे, फिर TL बनेंगे। इस तरह का स्टेप बाय स्टेप होता है। जो लास्ट माइल एजेंट का हमारा जो बंदा है ना, वो कंपनी से कुछ भी नहीं, वो बस वेंडर है, तो वो डायरेक्ट ATL या TL बनने के लिए तैयार है, उसे किसी भी प्रकार का FS नहीं बनना पड़ेगा। लेकिन ATL और TL के लिए FS बनना अनिवार्य है। FS आप बनोगे तब ATL बन सकते हो। यदि आप फील्ड एक्सक्यूटिव हो लेकिन एजेंट हो तो आप डायरेक्ट FS भी बन सकते हो, डायरेक्ट ATL और TL भी बन सकते हो। ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्सिटी को आपको इजी कर देते हैं। इस तरह से आप कंपनी से हो लास्ट माइल एजेंट के तौर पे, लेकिन नहीं भी हो, क्योंकि आपको सैलरी पे नहीं करती है डायरेक्ट। आप वहां से आप पता चल जाएगा आपको कि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी है इस ऑफिस में, पास के ऑफिस में, यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर के ऑफिस में, और वहां पे आप डायरेक्ट लास्ट माइल एजेंट से FS, ATL, TL किसी भी पोस्ट में जा सकते हो। लेकिन आप फील्ड एक्सक्यूटिव हो तो आपको आपका मैनेजर प्रॉपर जस्टिफिकेशन देगा, उसके बाद ही आप डायरेक्ट प्रमोट हो सकते हो FS, ATL में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाएगा फील्ड एक्सक्यूटिव, लेकिन जो हमारा लास्ट माइल एजेंट है डायरेक्ट जंप करेगा। और बाहर सी के लिए एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्राइटेरिया का ले ले तो वो हो जाता है, लेकिन इंटरने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ज्यादा मैंडेटरी नहीं होता है, उन्हें ऑपरेशंस आना चाहिए, वो फील्ड एक्सक्यूटिव हो सकते हैं, या लास्ट माइल एजेंट के लिए क्वालिफिकेशन तो रिक्वायर्ड हो ही जाएगा भैया। खैर, तो ये हमारा था कंपनी में डायरेक्ट ऑफिस पद के जॉब को कैसे ज्वाइन करते हैं। सिंपल है, आप किसी कलीग से ज्वाइंट रहो, कंटेक्ट में रहो, जॉब उपलब्ध हो तो बताना, या फिर डार्विन बॉक्स नाम की वेबसाइट मैंने बताया, आप सिंपली गूगल करो, वहां पे आप जाकर के डिलीवरी कंपनी में जॉब के लिए जो HR फॉर्म है वहां पे मिल जाएगा आपको। वहीं से आप ऑनबोर्डिंग के लिए सारा कुछ डाल सकते हो, इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, एंड एप्लीकेशन जो ऑफर लेटर आएगा उसको आप साइन अप करके आप नजदीकी कुरियर ऑफिस में या जो भी कुरियर ऑफिस आपको असाइंड हुआ है वहां जाकर के आप जॉब कर सकते हो। अब जो पे स्केल है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में समझ ले, FS का 15,000, 17,000 ATL का, और 18,000 to 20,000 टीम लीडर का, 15 से 20,000 के बीच में इन तीनों मैनेजर्स के सैलरी सिमट जाते हैं इस ऑफिस तक। अब इससे आगे की जो पोस्टिंग है ना वो STM का है, SM का है, और भी ग्रेटर ग्रेटर पॉइंट का है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, उसकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, पे स्केल, ये सारा का सारा क्या चीज है। यहाँ तक तो डेफिनेटली 20,000 तक अगर हम ब्रांच लेवल के ऑफिस तक पहुंच गए तो इससे बेटर ही पे स्केल होगा, ये आपको अंदाजा मिल ही गया होगा। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आपको बता दे कि TL, ATL जो अच्छे समय से काम कर रहे हैं और उनको बहुत सारा टास्क मिल चुका है, अलॉट हो गया है, और टाइमिंग के अनुसार उनकी पे स्केल 20,000 से 25,000 तक कैप्ड है अभी बिहार में मैक्सिमम, और इससे ज्यादा भी मिल रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास टास्क, आपके आपकी एजिंग और ये सारा कुछ इसमें, लेकिन इसके लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपका देता है मैनेजर, जो कि TL, ATL, FS का मैनेजर है, स्टेशन मैनेजर STM, उनकी पोस्टिंग डिफरेंट होती है। खैर, उनके पे स्केल के बारे में और ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू।